पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 37। कुकर्मियों के कारण मत कूड, कुटिल काम करने वालों के विषय दाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उसकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट
धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है, यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट का बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसीलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है।